instead of accepting that we are struggling to create jobs, instead of uniting people together, all communities and religions, to face the challenge, the government is busy converting the fear being generated in our jobless youth into hatred between communities. Tragically, the conversation in our country today is not about jobs, healthcare, or education. Today, the only thing India talks about is what you are allowed to eat, who is allowed to protest, and what we can say, or rather what we cannot say. भारत की आवश्यकताएं, शक्तियां और विशेषताओं को विश्व तक पहुंचाने की जितनी क्षमता आप में है, मैं समझता हूं और किसी में नहीं है। दुनिया के अस्थिरता से भरे वातावरण में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मूल्य पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर सकते हैं। जहां वैश्विक समाज अलग अलग स्तरों और विचारधाराओं में बट रहा है, वहां आप भारत की सबको साथ लेकर चलने वाली इंक्लूसिव फिलोसॉफी, सबका साथ सबका विकास का उदाहरण दे सकते हैं। जहां विश्व में एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन के बारे में चिंता बढ़ रही है, वहां आप दुनिया को भारतीय संस्कृति के सर्वपंथ समभाव का संदेश दोहरा सकते हैं।